मैम पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 42। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स सबों ने बुक्स निकाली अपनी। शैल वी स्टार्ट? यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग। अदीबा ने लिखा है। अदीबा माइक बंद कर लीजिए। अब अगर आपने फिर से कभी भी माइक ड्यूरिंग क्लास माइक ऑन की ना, मैं आपको क्लास से रिमूव करूंगी, ध्यान रखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सब्ट्रैक्शन करना है 34 रुपीज माइनस 18 रुपीज। ओके, तो 4 में से 8 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 जो है वो छोटा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है। सो इसलिए 4 क्या करेगा, वो बोरो मांगेगा 3 से 1। ओके, तो 3 जब इसको 1 बोरो देता है तो 4 जो है अब वो 4 नहीं रहता है, फिर वो क्या बन जाता है? 4 ओके। तो बताइए 14 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करके कितना आता है? 6। वेरी गुड, 6। मैम सेकंड 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 1। वेरी गुड, सो दैट इज 55 पैसे माइनस, सॉरी, प्लस 43 पैसे। 5 प्लस 3 मैम, मैम 2 यहाँ पे आप लिखेंगे फिर फी यानी पैसे। उसके बाद नेक्स्ट, रुपीज 20.75 पैसे माइनस 6 रुपीज 80 पैसे, इसमें हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, तो 5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 5। वेरी गुड मैम। पेज नंबर, ये कौन बोल रहा है पेज नंबर? कैसे हो जाएगा 7 से 8 को सब्ट्रैक्ट, 1 कैसे आएगा? 7 तो छोटा है, 8 बड़ा है, तो ये तो नहीं पॉसिबल है। इसका कौन लेगा, कौन लेगा मैम? ये यहां पे भी 0 है, तो ये भी लेगा। पहले ये वाला 0 बोरो मांगेगा, तो डी वाला 0 2 से 1 बोरो मांगेगा, ये इसको 1 देता, ये 10 बनेगा, और ये वाला 2 इससे 1 कम हो जाएगा, ये 1 रहेगा। ओके, अब ये जो है 7 इसे बोरो मांग सकता है क्योंकि पहले ये 0 था, अब ये 10 है, तो अब ये इसको 1 मांगते बोरो, ये 1 17 बना और ये बनेगा 9। ओके, आप 17 में से 8 को सबट्रैक्ट कर लीजिए। 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 5। 5। 3। 4। 4। 9 में हमें मंच करना है। 1। 1। 1। 3। 4। किसने बोला? अब जिस बच्चे से मैं पूछूंगी खाली वो बच्चा आंसर देगा। जस्ट म्यूट योर माइक्रोफोन, मैं पूछूंगी सालिक एजा से। जस्ट सालिक आप अपनी माइक ऑन कर लीजिए। यस मैम। 135 पैसे, इसमें माइनस करते हैं 20 रुपीज 15 पैसे, तो बताइए 5 में से 5 को माइनस करके कितना आता है? 0। 0। 0 मैम। 0। 5 में से 1 को माइनस कर लीजिए। 4। 4। इब्रा, मैंने आपसे पूछा, मैंने नहीं बोला बाकी बच्चे सारे माइक्स बंद करेंगे, आयत अपनी माइक बंद कर लीजिए। मैम
मैं वो मैं कहने वाली थी मामा अस्सलाम वालेकुम मामा, अब आई क्लास में, वो मुझे फोन को नेटवर्क इशू हो रहा था, इसलिए आप मुझे बहन से बता। ओके, मेंटल मैथ्स बुक निकालिए, एक्टिविटी नंबर 35, पेज नंबर 42, ठीक है? यस मैम, रुकिए एक मिनट, मैम मैंने 5 में से 1 कर लीजिए। 5 में से 1, 4। ओके, माइक बंद कर लीजिए। मैम ताली कीजिए, माइक बंद। हाँ अदीबा कीजिए माइक बंद। यस मैम। 5 में से 0, 5 में से हमें 0 सब्ट्रैक्ट करना है। मैम ये कुछ क्वेश्चन किसमें है? क्वेश्चन किसमें है? 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करना है आपको। 5, ओके, क्योंकि 5 में से हमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 3 में से 2 को मैम 1। ओके मैम 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 1 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, 0। ओके वेरी गुड, माइक बंद कर लीजिए अदीबा। ओके मैम। अहमद तारिक, अहमद तारिक माइक ऑन कर लीजिए। यस मैम। ई वाला पार्ट है, 56 रुपीज 55 पैसे। डी वाला पार्ट दिखाइए। प्लस 34 रुपीज 28 पैसे। आवाज कट कर दिया, ठीक है काफी आ रहा है। प्लस 8 मैम 13, मैम 3 आ मैं वाला आने का कह रही। ओके वेरी गुड, नेक्स्ट 5 + 1 6 6 6 + 2 8 6 + 4 10 10 दिखाइए को यहाँ पे क्या लिखूं मैं? 0। ओके 1 कैरी। 5 + 1 6 6 + 3 9 ओके नेक्स्ट तुराब हुसैन डी वाला कार्ड दिखाइए। तुराब हुसैन ओके बताइए मुझे तुराब, इसका जो एफ वाला पार्ट है 349 रुपीज 60 पैसा, इसको हमें प्लस करना है 235 रुपीज 25 पैसे। ओके तो 0 + 5 कितना होता है? 0 पैसे + 5 पैसे 0, इसको तो प्लस करना है ना। 0 + 5 मैम 5। ओके 6 + 2 6 + 2 8 8 8 8 ओके 9 + 5 14 यहाँ पे क्या लिखूं मैं? मैं वहां पे दिख रहा है हाँ? दिख ही नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है क्यों? 9 + 5 14 मैम ई वाला पार्ट दिखाइए। 3 लिखो दीजिए मैम, ई वाला पार्ट दिखाइए। 14 लिखो 14 यस मैम 14 लिखो, आर यू श्योर? इसमें कुछ कैरी नहीं आएगा, 14 पूरा लिखना है 1 4। यस मैम। अकील मुख्तियार माइक ऑन कर लीजिए। यस मैम। बताइए बच्चा 9 + 5 मैम 14 क्या लिखना है यहाँ पे? मैम 4 आएगा वहां पर, मैम 4 को वहां पर कैरी आएगा, बोरो आएगा।
हम यहाँ पे 14 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे जो है वो 1 tenth हम यहाँ पे 2 digit नहीं लिख सकते। अगर लास्ट में आता तो हम 2 digit लिखते हैं क्योंकि अगर बीच में आता तो वहां पे हम कैरी देते हैं दूसरे जो यहाँ पे पास वाला होता है उसमें। ठीक है बताइए अखीर मुख्तार 4 + 1 मैम 5 + 3 मैम 8 3 + 2 5 वेरी गुड। नेक्स्ट पिज़्ज़ा जान यस मैम बताइए 61 रुपीज 24 पैसे ओके 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट है पॉसिबल हो सकता है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन नो मैम 0 तो आप हम इसको कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे 5 0 को बारो देगा ओके तो फिर 0 कितना बनेगा 10 ओके और 5 4 वेरी गुड तो 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 10 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 वेरी गुड 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए मैम 2 वेरी गुड माइक बंद कर लीजिए आयदा जान योगु आयदा जान यस मैम बताइए बच्चा 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा वन में से 4 सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं माइक ऑन कर लीजिए आयदा आयदा माइक ऑन कर लीजिए हाजिम अब्बास माइक ऑन कीजिए यस मैम बताइए 1 में से 4 हो जाएगा सब्ट्रैक्शन नो मैम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे मैम ऐसे किससे बोरो लेगा ओके तो फिर 6 कितना रहेगा मैम 5 और 1 मैम 11 जी ओके 11 में से 4 कीजिए सब्ट्रैक्ट 11 में से 4 ओके मैम 11 में से 4 11 3 4 5 7 8 9 10 1 2 3 4 2 3 7 मैम जी 7 वेरी गुड 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट 5 में से 4 मैम 1 वेरी गुड कीजिए माइक बंद इफ्रा यस मैम अब हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है 215 रुपीज 73 पैसे माइनस करना है 127 रुपीज 48 पैसे तो बताइए 3 में से 8 हो सकता है सब्ट्रैक्शन नो मैम इसका सब्ट्रैक्शन हम करेंगे हम लेंगे 7 से बारो वेरी गुड 7 जब इसको 1 देता है तो 3 कितना बन जाता है 13 और 7 6 वेरी गुड आप 13 में से 8 को कीजिए सब्ट्रैक्ट ओके मैम 1 ओके मैम 1 2 3 4 5 5 6 7 मैम 5 वेरी गुड 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 3 मैम 5 करके कितना आता है 6 मैम 2 2 ओके माइक बंद कर लीजिए खुशबू जहरा खुशबू जहरा यस मैम खुशबू माइक ऑन कर लीजिए यस मैम जहरा यस मैम बोलिए जैद रियाज
जैद रियाज आयमन इरशाद मैम बोले आयमन इरशाद माइक नहीं टू जैद माइक ऑन कर लीजिए यस मैम वीडियो ऑन कर लीजिए पहले वीडियो भी ऑन कर लीजिए जैद मैम बताइए मुझे फाइव में से सेवन सब्ट्रैक्ट होगा फाइव में से से आ रही है मैम मैम आपकी आवाज कट कट आ रही है सब्सक्राइब कर लीजिए हो सकता है पॉसिबल फाइव में से सेवन सब्सक्राइब हो सकता है तो हम कैसे इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे एक देता है तो ये बन जाता है 15 और वन कितना रहता है जीरो वेरी गुड तो 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 8 वेरी गुड जीरो में से सब्ट्रैक्ट टू से बोरो मांगेगा जब टू वन इसको देगा तो ये जीरो कितना बनेगा 10 बनेगा और टू रहेगा खुद वन तो 10 में से टू को सब्ट्रैक्ट करके कितना आता है 8 वन में से वन को सब्ट्रैक्ट करके जीरो तो दैट आंसर आएगा 88 रुपीज 25 पैसे ओके तो क्वेश्चन नंबर वन सब किया क्वेश्चन नंबर वन यस यस ओके तो नाउ इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर टू लेट्स हैव फन विद अमन एंड रजन एट द अम्यूजमेंट पार्क ठीक है अमन जो है उसके पास होते हैं 100 रुपीज और वो कितने वो खर्च करता है He spend rupees 10 for entry ticket. सबसे पहले जब वो amusement park में जाता है वो 10 rupees ticket के लिए देता है 20 rupees frog jumping ride के लिए 20 rupees for Columbus ride के लिए 25 rupees for space shuttle ride के लिए ठीक है How much money is left with him now? अब हमें कहना है अब उसके पास total money कितनी left है उसके पास होती है 100 rupees तो वो ये सारी जो है वो अमाउंट कैसे स्पेंड करता है 10 रुपीज टिकट के लिए 20 रुपीज देता है वो फ्रॉग जंपिंग राइड के लिए कोलंबस राइड के लिए 20, 25 राइड के लिए तो टोटल में वो कितना करता है हम वो पहले उसको ऐड करेंगे तो पहले वो क्या करता है पहले वो 10 रुपीज टिकट के लिए 20 रुपीज फ्रॉग जंपिंग के लिए 20 रुपीज कोलंबस राइड के लिए और 25 रुपीज शटर राइड के लिए ठीक है इन सब का हम पहले एडिशन करेंगे हम देखेंगे वो कितना अमाउंट है वो टोटल स्पेंड करता है कितने कितना पैसा वो खर्च करता है तो 0005 तो यहाँ पे 5 आएगा 2+2=4, 4+2=6, 6+1=7 तो दैट मीन्स टोटल अमाउंट वो कितना खर्च करता है 75 रुपीज
तो दैट मींस उसके पास टोटल में कितने रुपीज होते हैं? उसके पास होते हैं पहले 100 रुपीज, उनमें से वो 75 रुपीज जो है वो स्पेंड करता है, खर्च करता है। अब उसके पास कितने पैसे रह जाते हैं इसको हम माइनस करेंगे, ओके? तो 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा, पहले ये 0 इसे 1 देगा, ये बनेगा 10, फिर ये रहेगा 0, अब ये इसको 1 देगा, ये रहेगा 10 और ये रहेगा 9, ठीक है? तो 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करके 5 आता है, 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करके 2 आता है, तो दैट मींस आप उसके पास जो मनी बची है वो है 25 रुपीज। टोटल में जब उसके पास 100 रुपीज होते हैं वो खर्च करता है, इतने सारे किसमें क्या खर्च करते हैं वो हमने देखा, 75 रुपीज, ठीक है? तो आप उसके पास जब 100 रुपीज होते हैं उसको 25 रुपीज वहां पे रह जाते हैं 100 रुपीज में से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रुपीज 25, बॉक्स में जो है नीचे हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, आप उसके पास कितने मनी होती है, रुपीज 25, ओके? यहाँ पे आप लिख लीजिए रुपीज 25 और पहले आप यहाँ पे दिखाएंगे एडिशन करके सब्ट्रैक्शन करके, ठीक है? Yes, ma'am. Sabu ne kiya? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. उसके बाद है इसका सेकंड वाला क्वेश्चन। रजन हैड 150 रुपीज। अब रजन के पास 150 रुपीज होते हैं, वो ऐसे ही क्या करता है, 10 रुपी टिकट के लिए, 20 रुपी मैरी गो राउंड के लिए, 45 रुपीज रेसिंग कार के लिए, 35 रुपीज ड्रैगन राइड के लिए। अब हमें क्या करना है कि रजन जो है वो टोटल मनी कितना स्पेंड करता है, ऐसे ही जैसे हमने ऊपर किया अमन का हमने देखा, हम ऐसे ही यहाँ पे रजन का भी देखेंगे पहले वो कितना मनी स्पेंड करता है, ठीक है? तो पहले में वो 10 रुपीज करता है टिकट के लिए, 20 मैरी गो राउंड के लिए, 45 कार फेसिंग कार के लिए, एंड देन 35 ड्रैगन राइड के लिए, ठीक है? अब इन सारों को हम करेंगे प्लस, 0 + 0 + 5 + 5, तो 5 + 5 10 होते ही 0 लिखेंगे, 1 आएगा कैरी, 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, 8 + 3 कितना होता है 11, ठीक है? तो टोटल में वो कितने मनी स्पेंड करता है जब उसके पास 150 रुपीज होते हैं, 110 वो उसमें खर्च करता है, ठीक है? कर लिया ये सब ने, अब हमें देखना है उसके पास कितनी मनी रह जाती है, तो हम क्या करेंगे, हम रुपीज 100 जो टोटल में उसके पास रुपीज होते हैं 150, उसको हमें माइनस करता है जितना वो खर्च करता है 110, इस दोनों को हमें सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है? तो 0 - 0 = 0, 5 - 1 = 4, 1 - 1 = 0, तो दैट मींस टोटल में उसके पास कितने आप लेफ्ट होते पैसे, 40 रुपीज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रुपीज 40, ओके? रुपीज 40 हम यहाँ पे लिखेंगे, लिख लिया सबू ने, एडिशन पहले हम करेंगे देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, इससे हमें आंसर आएगा उसके पास कितनी मनी है, ठीक? मैं मुझे दिख ही नहीं रहा है, मैम मैं मुझे दिख ही नहीं रहा है, क्या आपको नजर नहीं आ रहा बच्चा जो आप दिखा रही हो ना, जो ना वो आपने दिखा है रुपीज 20, ठीक है? मुझे वो पता है जो काले बड़े डिब्बे है, ऐड उसको ना सुन लो मैम, मुझे वो दिखा है SUBT और ACT, उसका आंसर जी बच्चा बताइए, कर लिया आपने? मैम दूसरा वाला दिखाइए, ओके ओके ठीक है, ये वाला हाँ कर लीजिए मैम, दिखाइए ना, है ना ऐसे ही, तो मैंने तो रखा है कैमरा उसी पे, ये कौन बोल रहा है?
मैम दिख ही नहीं रहा है। तुराब आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आपको शायद नेट वहां से स्लो है, दैट इज व्हाई आपको वीडियो नहीं आ रहा है। बाकी बच्चों को वीडियो आ रहा है अगर? मैम मुझे फिर प्लीज मैम। ओके बच्चा मैं आपको इसकी पिक्चर। थैंक यू मैम। वेलकम डियर। मैम मैंने लिखा। ओके डियर तो बाकी सब लिखा भी था यार। मैम मैंने सबको समझ आया एडिशन का फ्रैक्शन मैम। यस मैम। यस मैम। क्लासेस मैम आप लोग के अंदर दिखाइए। प्लीज मैम आई लव।